हेलो गाइस, आज आप लोगों के लिए जो वीडियो हम लोग लेके आए हैं ना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहती हूँ, आप लोग बिना स्किप किए ये वीडियो देखते जाइए। आज का वीडियो का टॉपिक है, हम लोग बर्ड का जो DNA सेक्सिंग करते हैं उसके लिए जैसे फेदर कलेक्ट किया जाता है, वही पूरा प्रोसेसिंग हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो इंट्रो को ज़्यादा लंबा खींचते ना हुए वीडियो को स्टार्ट करते, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये स्पाउस ले लेना, हम लोगों ने ले लिया। हम लोग जहाँ पर भेजते हैं DNA सैंपल वो है परिनिधि सिकंदराबाद में। तो सेकंड वार्ड जो होता है, आपको क्या करना है, आपकी बर्ड्स को लेना है, जिस बर्ड्स का आपको सैंपल कलेक्ट करना है उसका जो रिंग नंबर है वो आपको लिख लेना है। देखिए, हमारी बर्ड का नंबर है 46, तो हम लोगों ने वो लिख लिया। बस अभी जाके क्या करेंगे, स्पाउस में जो डिटेल्स आपको भरना पड़ता है ना, यहाँ पर देखिए, वो मेरे हस्बैंड यहाँ पर डिटेल्स लिख रहे हैं। जो जो डिटेल्स यहाँ पर लिखने के लिए दिया जाता है वो सब कुछ भर दिया, और रिंग नंबर भी। अभी बहू के पास वो लिखा हुआ स्पाउस ना रहे, ऐसा भी स्पाउस मिलता है आपको जिप बैग, तो ये ले लेना। और पेपर में अपना सारा डिटेल्स लिख लेना, जो जो डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए बोला गया है, जैसे रहेगा ओनर नेम, रिंग ID, वो सब लिख के आप लोग भेज सकते हो। तो अभी हम लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले उसको थोड़ा सा पैम्पर कर लेना ताकि सैंपल लेने में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो उसे दर्द होता है ना, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। और आप लोग सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो करना है वो आपका हाथ जो है ना सैनिटाइज कर लेना है। जब आप फेदर कलेक्ट करो उसके बाद ही आप फेदर कलेक्ट करना स्टार्ट करो। तो फेदर कलेक्शन यहाँ पर हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। और हाँ, जब आप फेदर कलेक्ट करो, जो वाला फेदर आप लोगे ना, थोड़ा बड़ा बड़ा फेदर लेना, छोटा फेदर मत लेना, तो फिर DNA टेस्टिंग में ना प्रॉब्लम हो सकता है। और एक बात, जब आप लोग फेदर कलेक्ट करो उस टाइम पे, जो फेदर आप लोगे ना और जहाँ पर सैंपल रहता है वहाँ पर उंगली से टच नहीं होना चाहिए। अगर उंगली से टच होगा तो कंटामिनेशन होने का चांसेस रहता है, इसके लिए आपका जो रिजल्ट है ना फॉल्स आने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पर देखिए, वो फेदर कलेक्ट करने के बाद उंगली से ऐसे घिसा जा रहा है ताकि उसके अंदर स्पाउस के अंदर जितनी हवा है वो निकल जाए, अदरवाइज ये जो सैंपल है ख़राब हो सकते हैं हवा की वजह से। अभी हम लोगों ने उसको एनवलप में डाल दिया, यहाँ पर हम लोगों ने सारा डिटेल्स लिख दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड गए पोस्ट ऑफिस उसे पार्सल करने के लिए, तो आप लोग देख सकते हो हमारे यहाँ से इसका पार्सल का जो कॉस्ट जाता है 22 रुपीज़ गया है। आपकी डिस्टेंस के अनुसार, आपका डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा पैसा उतना ज़्यादा लगेगा। और जहाँ परिनिधि में हम लोग करवाते हैं वहाँ उसका कॉस्ट लगता है 150। और देखिए, यहाँ पर हम लोगों का पार्सल हो गया डन, और हम लोगों को ये रिसीव कॉपी दिया गया, मेरे हस्बैंड ने वो रिसीव कॉपी ले लिया। तो फिर बस इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं। आशा रखती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लोग सपोर्ट करना हम लोगों को।